एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार मरीजों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके अपने कर्मचारी ही सरकार के आदेशों और निर्देशों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला महाराजगंज जिले के नौतनबाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां अस्पताल पहुंचे मरीज को इंजेक्शन लगाने के नाम पर पैसों की मांग की गई और ना देने पर स्वास्थ्यकर्मी मरीज से भी उलझ गए। आपको बता दें कि घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीना वर्मा का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अरे बच्चे को कुत्ता काट लिया था, इंजेक्शन लगवाने आए थे, तो इंजेक्शन लगाने के बाद वहाँ पे जो से बैठे हुए इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर साहब, वो 50 रुपया लिए, कह रहे हैं कि सिरिंज का पैसा लगता है और सिरिंज उपलब्ध नहीं है, तो पैसा ले लिए। तो हम डॉक्टर साहब से आके, अमित कुमार साहब से 27 तारीख को जब शिकायत किए तो पैसा कह रहे वापस ले लिए, पैसा नहीं लगता है, वो पैसा वापस किए। फिर आ जाए तो कह रहे सिरिंज जाके लेके आइए, उस दिन भी लिख दिए थे सिरिंज लेके ही आना पड़ेगा आपको, नहीं तो और इंजेक्शन नहीं लग पाएगा। हम कहे क्यों ऐसा, क्या व्यवस्था सरकार की व्यवस्था नहीं है? कह रहे नहीं व्यवस्था नहीं है। सरासर गलत बात है, किसी भी चीज़ का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, नहीं लिया है। आप हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। पर्ची वो स्वयं फाड़ा है, दरवाजा उसी ने बंद किया था हमको मारने के लिए। मैं तो खोल रहा था, वो खोलने ही नहीं दे रहा था। देखिए, मुझे इसकी जानकारी आपके द्वारा ही पता चली है, तो अब आपने कहा है तो मैं इसकी जांच करवा के और जो दोषी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई।